नवरात्रि के लिए हम लोग ड्रेसअप हुए हैं, तो अपनी जान को भी खतरे में डाल ही लेगी, बट रीमा को बचा के ज़रूर लाएगी वो। मेरे अंदर कोई स्पिरिट या कोई आत्मा नहीं आई है। सिमर प्रॉब्लम में आती है तो आरव बचाने ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। हाय, दिस इज़ राधिका, योर सिमर, एंड यू वॉचिंग मी ऑन टेलीचस्का। थैंक यू। हेलो गाइस, आज हम बहुत दिनों बाद अपनी प्यारी सी राधिका यानी सिमर के साथ हैं। सिमर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं, आपका एक अलग सा लुक देखने मिल रहा है, अपने लुक के बारे में सो जैसे कि आप मेरा आउटफिट देख सकते हैं आप सब, ये नवरात्रि के लिए हम लोग ड्रेसअप हुए हैं, तो नवरात्रि में यूजुअली जैसे डांडिया, अभी डांडिया का फंक्शन हम लोग कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने एकदम कलरफुल आउटफिट पहने। आई थिंक सब ने कलरफुल, सारी लेडीज़ ने कलरफुल आउटफिट्स पहने हैं, एंड आई एम श्योर एवरी वन इज़ लुकिंग इक्वली प्रिटी। नॉर्मली मेरी मॉम के घर पे हम लोग, आई एम अ साउथ इंडियन, सो हम लोगों के उसमें गोलू रखते हैं, सो वी कीप भगवान की मूर्तियाँ रखते हैं ऐसे स्टेप्स, कभी किसी के घर में 7 स्टेप्स होते हैं, किसी के घर में 5, किसी के घर में 9, तो वैसे रखते हैं, और लेडीज़ आती हैं, मतलब यू नो गाना बजाना होता है, जैसे यहाँ पे कंजक वगैरह होते हैं, यहाँ पे एक दिन होता है, हमारे में वो 9 दिन चलता है, एंड डिफरेंट डिफरेंट वो होती हैं। एक दिन सरस्वती माँ की भी पूजा होती है, जिसमें हम लोग बुक्स एंड जो भी लैपटॉप्स वगैरह, आजकल तो लैपटॉप्स भी आ गए, तो उन सब की पूजा करते हैं, तो ऐसा होता है यूजुअली। सो आई मिस दैट अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैं अभी, मेरी शादी हो गई है, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं और मेरे हस्बैंड ही होते हैं, तो हम लोग इतना कर नहीं पाते बिकॉज दोनों वर्किंग हैं, एंड अभी सासू माँ हैं, तो आई एम होपिंग कि इस नवरात्रि मैं कुछ इन्जॉय कर पाऊँगी। ओके, सो क्या कुछ प्लान, ऐसा कुछ करके रखा है आपने कि इस नवरात्रि में जो कहीं बाहर निकलना? चाहती तो हूँ मैं, इन्जॉय करना चाहती हूँ, बट आई डोंट थिंक मुझे शूटिंग से टाइम मिलने वाला है, सो आई थिंक मैं यहीं पे इन्जॉय करूँगी। इन दिनों हम देख रहे हैं कि शो में एक सुपर नेचुरल ट्रैक चल रहा है काफ़ी दिनों से, जहाँ पर अपनी ही बहन रीमा जो है वो छाया बन चुकी है जी, और कहीं ना कहीं सिमर के ऊपर मुसीबत आ गई है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उस ट्रैक को लेकर, कैसे सिमर उस मुसीबत से बचने वाली है, अगर ऑडियंस को कुछ बता सकते? सो ऐसा है कि अभी सिमर को पता चल गया है कि वो रीमा नहीं छाया है, तो जैसे कि आप सब सिमर को जानते हैं कि वो रीमा को बचाने के लिए उससे जो बन पड़ेगा वो करेगी, अपनी जान को भी खतरे में डाल ही लेगी, बट रीमा को बचा के ज़रूर लाएगी वो। ओके, ये जो हम देख रहे हैं कि क्या तो कुछ हाँ, सो हम देख रहे हैं कि इन दिनों जो सुपर नेचुरल ट्रैक चल रहा है उसमें किस तरीके की आपकी एक्टिंग जो है वो कहीं ना कहीं एक अलग सा ही ट्रैक है, सो उसमें ऐसे कुछ डिफ़िकल्टीज का अगर सामना करना पड़ रहा हो आपको? अभी फ़िलहाल मतलब मेरे अंदर कोई स्पिरिट या कोई आत्मा नहीं आई है, तो आई थिंक इट्स चैलेंजिंग फॉर रीमा, और वो काफ़ी अच्छा कर रही है जहाँ तक मैं देख रही हूँ, एंड थोड़ा बहुत मुझे वो जो दामिनी का कैरेक्टर बीच में आया, तो मुझे कुछ सिमर से अलग करने को मिला, एकदम ही डिफरेंट कैरेक्टर, बट वो भी बहुत थोड़े टाइम के लिए आया था, तो मैं विश कर रही हूँ, होप कर रही हूँ कि शायद आगे आए। और फैंस काफ़ी जानने के लिए, ये मतलब एकदम से ऐसे उनकी हार्ट बीट रुक गई है, फैंस के इतने सारे मैसेजेस कि सिमर कहीं कोई मुसीबत में ना पड़ जाए, ये जो ब्लैक मैजिक चल रहा है उससे कोई बचाओ जाके सिमर को, और इसके साथ हम ये पूछना चाहेंगे किस तरीके से सिमर बचेगी, क्या आरव यहाँ पर सिमर का साथ दे? 100% जैसे सिमर बाकी सबको बचाती है, तो जब सिमर प्रॉब्लम में आती है तो आरव बचाने ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, तो आरव तो आएगा ही, अब कैसे आएगा वो हमें देखना पड़ेगा। तो यानी कि जल्दी फैंस को सिर्फ वाला मोमेंट ही दे आरव और सिमर। सिर्फ मोमेंट तो वैसे भी बीच बीच में आई थिंक आ ही रहा है, अब एक स्टोरी होती है, पूरा टाइम भी मतलब एक स्टोरी के हिसाब से ही सीन्स लिखे जाते हैं, तो मैं बस यही कहूँगी गुस्सा मत होइए, आएंगे सिर्फ सीन्स भी आएंगे। फैंस का साथ आपके साथ इसी तरह बना है, लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे?
जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हमें TRP के उससे भी पता चल रहा है कि आप लोगों को कितना मज़ा आ रहा है हमारे ट्रैक देख के। तो अभी और इंटरेस्टिंग होने वाला है आई एम श्योर। हमारे और भी फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व, अभी चित्रा भी इन्वॉल्व हो चुकी हैं इस चीज़ में, तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग होगा अभी आगे, तो देखिए और TV पे ही देखिए। ओके, ऑनगोइंग ट्रैक के बारे में बात करें तो कुछ डांस चल रहा है, कुछ कंपटीशन चल रहा है। राधिका जब भी होता है तो सिमर जो हमारी है वो कभी डांस करने से पीछे नहीं हटती और हर बार की तरह हर बार ही कंपटीशन जीत जाती है। तो इस डांस के लिए क्या, परफॉर्मेंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन, इट्स बस त्योहार का टाइम चल रहा है तो सब एन्जॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। आई डोंट थिंक कॉम्पिटिशन है। वैसे भी सिमर कभी कॉम्पिटिशन के लिए फर्स्ट स्टेप तो वो लेती नहीं है, उसको ड्रैग कर लिया जाता है कॉम्पिटिशन में, बट या वो तो एन्जॉय कर रही है।